सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म भारत को लेकर खूब लाइमलाइट में हैं। और जब से सलमान खान की इस फिल्म का ट्रेलर और फिल्म का फर्स्ट सॉन्ग स्लो मोशन रिलीज हुआ है, फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है और अब सबको सलमान का ये अवतार खूब भा रहा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि सलमान खान की भारत से आमिर की फिल्म को झटका लग सकता है तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत से आमिर खान को भला झटका कैसे लग सकता है। दरअसल सलमान की भारत को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये फिल्म कोरियन फिल्म ऑड टू माई फादर पर बेस्ड फिल्म है। लेकिन आपको बता दें कि इस कोरियन फिल्म का कुछ हिस्सा हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम से इंस्पायर्ड है। जी हाँ, ऑड टू माई फादर को कोरियन फॉरेस्ट गम कहा जाता है। और आपको याद दिला दें कि आमिर खान ने हाल ही में अपने जन्मदिन के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी अपकमिंग फिल्म की अनाउंसमेंट की थी और बताया था कि उनकी आने वाली फिल्म हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम का हिंदी रिमेक होगी। और अब जाहिर है कि आपने इन सभी बातों के बीच कनेक्शन तो बना ही लिया होगा। कुल मिलाकर सलमान खान की भारत उसी फिल्म से इंस्पायर्ड है जिसे आमिर खान बनाना चाहते हैं। और अगर भारत हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम की कहानी के इर्द गिर्द ही होगी तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि इस फिल्म से आमिर को झटका लग सकता है। अब देखना है कि सलमान खान की फिल्म भारत देखने के बाद आमिर खान अपने फॉरेस्ट गम रीमेक में कितना और क्या क्या बदलाव लाते हैं। गौरतलब है कि 3 साल पहले भी सलमान खान के सुल्तान और आमिर खान के दंगल में ऐसा ही कुछ हुआ था। जब तक आमिर दंगल लेकर आते, सलमान खान सुल्तान के साथ तैयार हो गए और फिल्म रिलीज भी हो गई। और ऐसा भी कहा जा रहा था कि सुल्तान देखने के बाद आमिर ने अपनी फिल्म दंगल में कुछ बदलाव भी किए थे। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि भारत का आमिर की फिल्म पर कोई असर होता भी है या नहीं। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।